करदा, तू मेरा खुदा मुक्ति दाता। अपने वचन से तू मुझे चंगा करता, तू मेरा खुदा मुक्ति दाता। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया शब्द का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम उस महान जीवित परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, इसलिए पूरे दिल से गाने में तालियां बजाते हुए ऊंची आवाज में भाग लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 20, हमें प्रभु ने प्रेम दिया। गीत क्रमांक 20, हमें प्रभु ने प्रेम दिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे, दया मिली क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। सबको बताएंगे, संगे सुनाएंगे, कृपा मिली खुशी मिली, जीवन हमने पा लिया। कृपा मिली खुशी मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया, सहारा दिया, सहारा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 110 हम बोले। गीत क्रमांक 110 हम बोले। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निदान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु
यीशु जय नाम। दया निदान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मंगलमय प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मंगलमय प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मरियम नंदन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मरियम नंदन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पाप निवारक यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पाप निवारक यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पतित पावन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पतित पावन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। सबसे अच्छा यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। सबसे अच्छा यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। जय यीशु जय नाम, जय यीशु जय नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 26, यीशु है सच्चा गढ़ेरिया। गीत क्रमांक 26, यीशु है सच्चा गढ़ेरिया। यीशु है सच्चा गढ़ेरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गढ़ेरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है। जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है। जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गढ़ेरिया, हरी चराइयों में
हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है, संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है, यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 118, मेरे प्रभु की सहायता से। गीत क्रमांक 118, मेरे प्रभु की सहायता से। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित में, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु के सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित में, उसके वचन का पालन करूंगा, मार्गों पर चलता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होवेगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होवेगी। मेरे प्रभु के सहायता से निसही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु के सामर्थ्य से मेरी विपत्ति सारी नाश होवेगी। मेरे प्रभु के सामर्थ्य से मेरी विपत्ति सारी नाश होवेगी। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल ही पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल ही पाता रहेगा। मेरे प्रभु के सहायता से निसही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा,
चलता रहूंगा मेरे घर और मेरे सब लोगों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरे घर और मेरे सब लोगों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 127 महिमा गाइब। गीत क्रमांक 127 महिमा गाइब। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाए नच गाई के। महिमा गाए प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाए नच गाई के। महिमा गाए प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाए नच गाई के। महिमा गाए प्रभु यीशु के, ऊंची आवाज़ में हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के प्यार हुए बहुते महान, हमरे गुना खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हुए बहुते महान, हमरे गुना खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हुए बहुते महान, हमरे गुना खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हुए बहुते महान, हमरे गुना खातिर दे दिले जान। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह क मिटावे ला दाग। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह क मिटावे ला दाग। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह क मिटावे ला दाग। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह क मिटावे ला दाग। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के सामर्थ बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़े ला जान। यीशु के सामर्थ बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़े ला जान। यीशु के सामर्थ बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़े ला जान। यीशु के सामर्थ बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़े ला जान। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाए नच गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाए नच गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाए नच गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाए नच गाई के। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 112 सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए। गीत क्रमांक 112 सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए। 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 छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए। छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए। छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए। पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए। पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए। हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए। हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए। हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए। चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए। चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए। चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए। ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए। ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए। ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 84 तू प्यार का सागर। गीत क्रमांक 84 तू प्यार का सागर। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने
हमको दीवाना बनाया, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, बताता रहूँगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, बताता रहूँगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा की बनी रहेगी, बनी रहेगी, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा की बनी रहेगी, बनी रहेगी, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा, क्योंकि तूने कहा मैंने चुने हुए से वाचावादी है, वाचावादी है, क्योंकि तूने कहा मैंने चुने हुए से वाचावादी है, वाचावादी है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा, यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती है, यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा, हे सेनाओं के यहोवा तेरी सच्चाई तो चारों ओर है, चारों ओर है, हे सेनाओं के यहोवा तेरी सच्चाई तो चारों ओर है, चारों ओर है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, राजा हुआ है, राजा हुआ है, जाति
जाति जाति में कहो यहाँ राजा हुआ है, राजा हुआ है, राजा हुआ है। मैं यहाँ की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं यहाँ की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, बताता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, बताता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, बताता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, बताता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा, सदा गाता रहूँगा। मैं सदा गाता रहूँगा, सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम उस महान जीवते परमेश्वर की स्तुति नाचते हुए गाते हुए करेंगे, इसलिए ऊंची आवाज में तालियां बजाते हुए नाचते झूमते हुए उसकी महिमा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ रे, आओ रे, सब मिल कर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे, सब मिल कर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। सुंदर है, पावन है यीशु जी तेरा नाम, सुंदर है, पावन है यीशु जी तेरा नाम, सुंदर है, पावन है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे, सब मिलकर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे, सब मिलकर गाओ नाचते हुए, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। अंदर है, बाहर है यीशु जी तेरा नाम, अंदर है, बाहर है यीशु जी तेरा नाम, अंदर है, बाहर है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे, सब मिल कर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे, सब मिल कर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। दिल में है, मन में है यीशु जी तेरा नाम, दिल में है, मन में है यीशु जी तेरा नाम, दिल में है, मन में है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे, सब मिल कर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे, सब मिल कर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे, सब मिल कर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे, सब मिल कर गाओ रे,
यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। हालेलुया, 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 ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम सा जय जयकार करा, यीशु नाम सा जय जयकार, यीशु नाम सा जय जयकार करा, यीशु नाम सा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, यीशु नाम सा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, यीशु नाम सा जय जयकार, देव बाबा सा जय जयकार करा, देव बाबा सा जय जयकार, देव बाबा सा जय जयकार करा, नाचते हुए देव बाबा सा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, देव बाबा सा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, देव बाबा सा जय जयकार, देव आत्म्या सा जय जयकार करा, देव आत्म्या सा जय जयकार, देव आत्म्या सा जय जयकार करा, देव आत्म्या सा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, देव आत्म्या सा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, देव आत्म्या सा जय जयकार, पवित्र त्रैक्याचा जय जयकार करा, पवित्र त्रैक्याचा जय जयकार, पवित्र त्रैक्याचा जय जयकार करा, पवित्र त्रैक्याचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, पवित्र त्रैक्याचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, पवित्र त्रैक्याचा जय जयकार, यीशु नामचा जय जयकार करा, यीशु नामचा जय जयकार, यीशु नामचा जय जयकार करा, यीशु नामचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, यीशु नामचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, यीशु नामचा जय जयकार, यीशु नामचा जय जयकार करा, यीशु नामचा जय जयकार, यीशु नामचा जय जयकार करा, यीशु नामचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, यीशु नामचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, यीशु नामचा जय जयकार, यीशु नामचा जय जयकार करा, यीशु नामचा जय जयकार, यीशु नामचा जय जयकार करा, यीशु नामचा जय जयकार, यीशु नामचा जय जयकार, यीशु नामचा जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला। हालेलुया राजांचा राजाला, प्रभूंचा प्रभूला, धन्यवाद येशूला। प्रभूंचा प्रभूला, धन्यवाद येशूला। महिमा गा त्याला, महिमा गा त्याला, महिमा गा त्याला, महिमा गा त्याला। हालेलुया राजांचा राजाला, प्रभूंचा प्रभूला, महिमा गा त्याला। हालेलुया राजांचा राजाला, प्रभूंचा प्रभूला, महिमा गा त्याला। गौरव द्या त्याला, गौरव द्या त्याला, गौरव द्या त्याला, गौरव द्या त्याला। हालेलुया राजांचा राजाला, प्रभूंचा प्रभूला, गौरव द्या त्याला।
हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूंचा प्रभूला गौरव द्या त्याला धन्यवाद येशूला धन्यवाद येशूला धन्यवाद येशूला धन्यवाद येशूला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूंचा प्रभूला धन्यवाद येशूला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूंचा प्रभूला धन्यवाद येशूला धन्यवाद येशूला धन्यवाद येशूला हालेलुया हालेलुया ऊंची आवाज में हालेलुया 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 नहीं डरना अब से नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है नहीं डरना अब से नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते कामों में तू प्रभु कितना महान है तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते कामों में तो प्रभु कितना महान है नहीं डरना अब से नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है नहीं डरना अब से नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है सिंहों की मांद में डाल दिया जाए कभी न घबराना आग की ज्वाला जब तुझे घेरे तभी न घबराना सिंहों की मांद में डाल दिया जाए कभी न घबराना आग की ज्वाला जब तुझे घेरे तभी न घबराना आगों की पुतली समान वो संभाले हाथों में वो तुझे थामे रहेगा आगों की पुतली समान वो संभाले हाथों में वो तुझे थामे रहेगा नहीं डरना अब से नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ नहीं डरना अब से नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ साथ में तेरे कोई न होवे कभी न घबराना सा तेरे सहने कोई न होवे कभी न घबराना साथ में तेरे कोई न होवे कभी न घबराना सा तेरे सहने कोई न होवे कभी न घबराना हाथों में घर कर रखा जो तुझको साथ तेरे चलेगा और साथ रहेगा हाथों में घर कर रखा जो तुझको साथ तेरे चलेगा और साथ रहेगा नहीं डरना अब से नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है नहीं डरना अब से नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते कामों में तू प्रभु कितना महान है तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते कामों में तू प्रभु कितना महान है नहीं डरना अब से नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है नहीं डरना अब से नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते कामों में तू प्रभु कितना महान है तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते कामों में तू प्रभु कितना महान है नहीं डरना अब से नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है नहीं डरना अब से नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है नहीं डरना अब से नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है
हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम उस महान जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं, इसलिए आप सभी जन खड़े ही रहिए और दिल से ऊंची आवाज में नाच गाकर स्तुति आराधना में भाग ले लीजिए। अपने हाथों को ऊंचा उठाइए, आंखें बंद कीजिए और ऊंचे आवाज में बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी आंखें बंद ही रहने दीजिए, आपका ध्यान उसकी ओर लगाए रहिए और देखिए वो पवित्रता से भरा हुआ परमेश्वर है। हाँ प्रभु, वो पवित्र परमेश्वर है और हम मनुष्य जात जन्म से ही पापी है। हाँ। हमारा और उसका क्या मेल जोल, क्योंकि पाप की वजह से पाप की दीवार हमारे और उसके बीच आ खड़ी हुई है। इसलिए आज अपने दिल को साफ कीजिए, आपके दिल में किसके खिलाफ गुस्सा है हर एक को क्षमा करो, अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करियो और प्रभु यीशु के पास पापों की क्षमा मांगिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तूने हमारे अधर्म को मिटा डाला, हमारे पापों की हमें क्षमा की, हमारे आत्मा पर लगे हुए पापों के दाग तूने तेरे लहू से धोकर के हमें शुद्ध किया है और आज एक बार फिर तूने हम पर ये बड़ी करुणा की है कि संसार के अंधकार से निकाल कर हमें तेरे राज्य में लाया है। इसलिए जोर से ताले बजाकर उस महान प्रभु को दिल से धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरे असीम प्यार के बदले, तुझे दिल से धन्यवाद, तुझे दिल से धन्यवाद, तुझे दिल से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग, हमरा के कवनो भया बनाई के
जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए जिसने आकाश बनाया, जिसने सूर्य चांद सितारों का निर्माण किया, जिसने ये विशाल समुद्र बनाया, समुद्र के अंदर की विविध प्रकार की मछलियाँ बनाई जो हर दिन हमें खाने के लिए भोजन देता है, हर साल हमें बरसात का पानी देता है, वो इस सृष्टि का निर्माण करता सेनाधीश परमेश्वर यहोवा जिंदा है। और वो आज भी सृष्टि को चला रहा है, जबकि हर दिन परमेश्वर उसके प्यार का सबूत हमें देता है। जब हम सवेरे सो करके उठते हैं, हमारी आंखें खुलती है, ये परमेश्वर का प्यार है। हमारे शरीर में शुरू रहा ये श्वास, ये परमेश्वर का प्यार है। आज भी हमारा शरीर कार्यरत है, ये परमेश्वर की दया है। और इतनी बड़ी करुणा परमेश्वर ने हम पर की कि उसने आज आपको संसार में से चुन करके अलग किया और उसके इस राज्य में ला करके खड़ा किया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारी बुद्धि हमारी ताकत से नहीं हुआ है, हमारे बल और हमारे सामर्थ्य से नहीं हुआ है, ना ही हमारे विचार से हुआ है। क्योंकि जब तक पिता किसी को आकर्षित न कर ले, तब तक कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता। ये महान परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें आकर्षित किया और आज उसके पुत्र के पास लाया है। धन्यवाद, दिल से उसे धन्यवाद दीजिए, दिल से उसकी महिमा कीजिए, दिल से उसकी प्रशंसा कीजिए। उसने हमें यूं ही बेबस अनाथ लाचार नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसने हमारे जीवन को आशीषित किया है। उसने रहने के लिए अच्छा घर दिया हुआ है, अच्छा काम धंधा देकर के आशीषित किया है, जो हर दिन हमें चलाता है, जो हमारी अगुवाई करता है, जिसने हमें बनाया है, हमें निर्माण किया है, वो हमारा जीवित पिता स्वर्ग में विराजमान है, जो हर दिन हमारी सुधि लेता है, हर दिन हमारी परवाह करता है और हर एक सफर में वो हमारे संग संग रहता है। दिल से उसके नाम को ऊंचा उठाओ, दिल से उसकी स्तुति करो, दिल से उसकी महिमा करो, क्योंकि उसकी करुणा बड़ी है। उसकी करुणा बड़ी है, उसका प्यार असीमित है। उसके प्यार को हम माप तोल नहीं सकते। यदि हम कहें कि आकाश से ऊंचा उसका प्यार है या समुद्र से गहरा उसका प्यार है, तो ये तो उसी ने बनाया हुआ है। इनको भी मर्यादा है, परंतु उस परमेश्वर की करुणा को कोई मर्यादा नहीं, जो असीमित प्यार की बारिश हम पर हर दिन करता है और हर दिन विश्वास के सफर में वो हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए जोर से तालियां बजाकर उस महान प्रभु को दिल से धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तूने हमें बनाया, निर्माण किया, जीवन दिया, आशीषित किया, हमारी अगुवाई करता है। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा की बनी रहेगी, बनी रहेगी। नाच गाकर ऊंचे आवाज में करना सदा की बनी रहेगी, बनी रहेगी। मैं यहोवा की सारी करुणा के
सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, क्योंकि तूने कहा मैंने चुने हुए से वाचा बांधी है, वाचा बांधी है, क्योंकि तूने कहा मैंने चुने हुए से वाचा बांधी है, वाचा बांधी है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती है, यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, हे सेनाओं के यहोवा तेरी सच्चाई तो चारों ओर है, चारों ओर है, हे सेनाओं के यहोवा तेरी सच्चाई तो चारों ओर है, चारों ओर है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, राजा हुआ है, राजा हुआ है, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, राजा हुआ है, राजा हुआ है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा, सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर के काम अद्भुत है, अनगिनत है, यानी जीवन भर हम उसे धन्यवाद देते रहे तो भी उसकी स्तुति उसकी आराधना खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर पल पल भर में वो हमारे जीवन में अमर्याद ऐसे प्यार करता है, अद्भुत काम करता है, उसे धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, देखिए उस परमेश्वर का प्यार कि उसने अपने के अपने इकलौते एक पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने हम पर इतना प्यार किया कि उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो हमारे जीवन में आ गया, हमारे जीवन से सारे दुखों को, बीमारियों को, तकलीफों को उसने दूर किया, और आज उसी की वजह से हमारे जीवन में आनंद है, धन्यवाद, आज उसकी वजह से हम शांति का जीवन जी रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब जब हम संकट में, मुसीबत में पड़ते हैं, तब तब वो प्रभु यीशु मसीह उसका हाथ बढ़ा करके हमें थाम लेता है। इसीलिए दाऊद राजा कहता है कि यदि मैं मौत की तराई से होकर के गुजरूं तो भी मैं डरता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे संग रहता है, धन्यवाद, वो परमेश्वर मेरे हाथ को थामे रहता है। हाँ, मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिल से उसके महान नाम को ऊंचा उठाओ, उसकी प्रशंसा करो, उसके महान नाम की बढ़ाई करो, क्योंकि वो जिंदा प्रभु है। दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए, और कहियो उससे प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, तू हमारे संग रहता है, तू हमारी अगुवाई करता है, हर मुसीबत से हमें बाहर निकालता है, तुझे धन्यवाद,
प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। जब हम अकेला बेसहारा अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, उस समय प्रभु यीशु हमें कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं, परंतु वो कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपने हाथ की हथेली पर खोद करके बनाया हुआ है, तेरी शहरपनाह निरंतर मेरी दृष्टि में बनी रहती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आज दुनिया में करोड़ों लोग हैं, परंतु वो हमारा नाम जानता है, वो हमारा नाम लेकर के पुकारता है। यहाँ तक कि वो कहता है कि तुम्हारे सिर के भी सब बाल गिने हुए हैं। धन्यवाद। इतनी नजदीकी से वो हमें जानता है। धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए जोर से तालियां बजाकर दिल से उस महान प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। नहीं डरना आपसे, नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना आपसे, नहीं डरना इमानुएल सदा तेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तो प्रभु कितना महान है। सदा तेरे साथ है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए जब हम सब पाप में थे, डूबे हुए थे और उससे हमें बाहर निकालने के लिए कोई नहीं था, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप के छिखल से हमें बाहर निकाला। धन्यवाद। उसने उसका लहू से हमारे पापों को धो दिया, हमारे अधर्मों को मिटा डाला, हमारे सारे पापों की सजा दंड उसने उसके देह के ऊपर ले लिया और हमारे खातिर उसने चाबुक के फटके उसके शरीर के ऊपर खाए। हमारे खातिर वो घायल हो गया, हमारे खातिर वो अपमानित हो गया, हमारे खातिर उसने उसके मुंह के ऊपर थूक सहन कर ली, हमारे सारे दंड उसने उसके देह के ऊपर लेकर हमें पापों की क्षमा दी है। इसलिए दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद दो, दिल से उसे धन्यवाद दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दे, परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने कहा है कि जिस प्रकार से बिजली आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य के पुत्र का आना होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारी जातियों के लोग उसे देखेंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार का राजा है। दिल से उसे धन्यवाद दीजिए और तालियां बजा कर उसकी महिमा कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु माझा येईल रे, स्वर्ग इथे येईल रे, यीशु माझा येईल रे, स्वर्ग इथे येईल रे, हालेलुया।
और अभी हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। सभी जन घुटने पर आ जाइए, अपनी आंखें बंद ही रहने दीजिए, ध्यान उसकी ओर लगाए रहिए और खुदावन की आराधना आत्मा और सच्चाई से करो, क्योंकि वो परमेश्वर आत्मा के रूप में हमारे बीच यहाँ मौजूद है। हाँ प्रभु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, वो परमेश्वर हमारे बीच में है और हम में से कहीं दूर नहीं बल्कि एकदम आपके दिल के करीब है। धन्यवाद। और वो आपके दिल की ओर देख रहा है, इसलिए आज सच्चे दिल से उसकी बढ़ाई उसकी आराधना करो। हे महान विशाल परमेश्वर, तू महिमा और प्रताप ऐश्वर्य से भरा हुआ परमेश्वर है। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरे उपासना करते हैं, क्योंकि तू हमारा प्रभु है। हाँ, तू हमारा जीवन है। हाँ, तू हमारा स्वामी है। हाँ, तू हमारा नाथ है। हाँ, तू हमारा गुरु है। हाँ, तू हमारा स्वर्गीय पिता है और तू इस दिल का राजा है। प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दीप जलाते करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते करते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जरूर मर गया, परंतु वो इसी अवस्था में नहीं रह सका, क्योंकि वो स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का इकलौता एक पुत्र था। इसलिए उसने क्रूस के ऊपर मृत्यु को हराया, अर्थात उसने शैतान को हराया और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आज भी वो जिंदा है। उसने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो सच्चा आनंद इस संसार के धन दौलत में, सोना और चांदी में नहीं, बल्कि उसमें है जो उसका पवित्र आत्मा हमें देता है। हाँ प्रभु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर मांगिए उससे पवित्र आत्मा, बुलाइए उसके पवित्र आत्मा को अपने दिल में। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, हमारे दिल में आ, हमारे दिल में आ, अपना प्यार लेकर आ, अपना आनंद लेकर आ, अपने सामर्थ्य से
से हम सभी को भर दे, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पावन आत्मा अंतरयामी, पावन आत्मा अंतरयामी, बरसा दो अपनी दया पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास बाइबल है आप देखें, इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 12 वचन 6 और 7, इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 12 वचन 6 और 7 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरे संसार भर में परमेश्वर के प्रति मनुष्यों की एकमात्र भावना ऐसी होती है कि हम उसके पास मांगें और वो हमारी इच्छा को पूरा करे। बस हमारी इच्छा को पूरा किया जाए। आप में से भी कई भाई बहनें आज पहली बार आए होंगे, आप परमेश्वर के घर में पहली बार आए हो, किसी के बताने से, किसी ने अपने अनुभव बताए, और आज आप यहाँ पर आए हैं। आप क्या चाहते हैं? आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और हर मनुष्यों की परमेश्वर के प्रति यही भावना होती है कि हम उसके पास मांगे, वो हमारी सुने और हमें आशीषित करे। जिस बात की हमें ज़रूरत है वो हमें दे दे। बस इतनी ही हमारी परमेश्वर के बारे में एक भावना होती है। पूरे संसार भर में मनुष्यों की परमेश्वर के प्रति यह एकमात्र भावना होती है। पर हम बहुत बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और जवाब देने वाला कोई एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति है। इतना ही नहीं, परंतु इससे आगे जाकर उसकी एक बहुत बड़ी पहचान है, वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है। और यदि वो हमारा पिता है तो जैसे आप अपने बच्चों की परवाह करते हैं, सुधी लेते हैं, ताड़ना करते हैं, उनको दंड देते हैं, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर भी हमारे साथ करता है। इससे कई गुना ज़्यादा करता है, क्योंकि धरती के शारीरिक बाप भी पापी इंसान है, तो वे अपने बच्चों की पूरी भलाई नहीं सोच सकते हैं। आप बच्चों की भलाई सोचते हैं, पर एक हद तक, एक सीमा तक। जबकि हम खुद पापी है, हमारा दिमाग भी पापी है, तो हम अपने बच्चों के बारे में पूरा ही पूरा भला नहीं सोच सकते हैं। पर जो पवित्र परमेश्वर है वो अपने बच्चों के बारे में सब भला सोचता है। एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, एक साल का नहीं, परंतु वो हमारी अनंत काल की भलाई देखता है। और इसीलिए एक धरती का बाप, शारीरिक पिता, अपने बेटे की या बेटी की जैसी परवाह करता है, उससे कई गुना ज़्यादा परमेश्वर हमारी परवाह करता है और हमारी देखभाल करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके घर के सामने कोई भिखारी आ गया, गरीब मनुष्य, और आपके पास एक रुपया दो रुपया मांग रहा है। आपने उसका बुरा हाल देखा, आपको तरस आ गया, आपने उसको दो रुपया दे दिया। बाद में आपका बच्चा बोल रहा है, पापा मुझे भी दो रुपया दीजिए, मुझे वहाँ आइसक्रीम खाना है। आप कहोगे नहीं, बच्चा नहीं सुनता है तो आप दो थप्पड़ भी लगाओगे। क्या फर्क है बता दीजिएगा? घर के सामने गरीब मनुष्य खड़ा था जिसने आपके पास पैसा मांगा और आपने दो रुपया दे दिया। आपका खुद का बच्चा आइसक्रीम खाने के लिए आपके पास दो रुपया मांग रहा है, आप नहीं दे रहे हैं। यही तो वचन आज हमें सिखा रहा है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसको उसने पुत्र बना लिया है उसको वो कोड़े भी लगाता है। यदि हम परमेश्वर के लिए भिखारी नहीं है, बस मांगने वाले, दे दो दे दो दे दो, यदि हम भिखारी नहीं है, यदि हम उसके बच्चे हैं,
तो समझ लेना हर बार वो देगा नहीं, थप्पड़ भी लगाएगा, ताड़ना करेगा, कोड़े लगाएगा। और ये इसीलिए करेगा कि हम कोई भिखारी मनुष्य नहीं है, हम कोई मांगने वाले लोग नहीं है, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हैं, पुत्र है, कन्या है। और वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। पुत्र जानकर परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। और इसलिए मैंने कहा कि आपके घर के सामने गरीब मनुष्य या कोई भिखारी खड़ा है और 2 रुपया मांग रहा है, आप तुरंत तरस खाकर उसको दे देते हैं। और बाद में आपका बेटा आपको बोलता है मुझे आइसक्रीम खाने के लिए 2 रुपया दीजिएगा, तो आप देते नहीं हैं। क्या आप उस बाहर वाले मनुष्य से ज्यादा प्रेम करते हैं अपने बेटे से बढ़कर? नहीं हो सकता। आप अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करते हैं और इसीलिए आइसक्रीम के बदले उसको थप्पड़ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपके बेटे को गलत आदत नहीं लगनी चाहिए। आप ही जानते हैं आपके बेटे ने सारी गलत गलत चीजें बार बार नहीं खानी चाहिए। आप ही जानते हैं कि आपके बेटे की सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। पर वो जो बाहर गरीब मनुष्य खड़ा था, उसकी आप इतनी नहीं सोचते हैं, उसकी आप इतनी परवाह नहीं करते हैं। उसके बारे में आपको बस इतना ही लगता है बेचारा गरीब है, उसको कुछ पैसे की जरूरत है, मेरे 2 रुपए देने से मैं कुछ गरीब तो नहीं बनने वाला हूँ, कंगाल तो नहीं बनूंगा उसको 2 रुपए दे दूंगा तो। और ये सोचकर उस मनुष्य के ऊपर तरस खाकर आप उसको 2 रुपए दे देते हैं और आपका बेटा पैसा मांगता है आप उसको नहीं देते हैं, क्योंकि आप उस बाहर वाले गरीब मनुष्य की नहीं सोचते हैं परंतु आपके बेटे की ज्यादा सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि आप जब प्रभु में नए नए आ गए, प्रार्थना में पहली बार आ गए, आपने प्रभु के पास मांगा और प्रभु ने आपको दे दिया, आपने उस पर विश्वास किया और विश्वास का सफर शुरू किया। अब इस विश्वास के सफर में कई बार ऐसा अनुभव आता है कि हम बहुत बार मांगते हैं, प्रभु जल्दी देता नहीं है। विश्वास की सफर में हमें कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, कई बार छल और सताने का भी सामना करना पड़ता है, कई बीमारियों का और संकट का भी सामना करना पड़ता है। और जब इनसे हम होकर गुजरते हैं, बहुत सारे लोगों की सुननी पड़ती है, प्रार्थना में जाते हैं ना, फिर तुम्हारे जीवन में दुख क्यों? यीशु को अपनाया है ना, फिर तुम्हारे घर में ये संकट क्यों? प्रार्थना में जाते हो, यीशु पर विश्वास किया है, तो तुम्हारे जीवन में संकट क्यों? तुम्हारे जीवन में दुख क्यों? वचन कहता है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुमसे एक बाप की तरह बर्ताव करता है, वो तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई लोग यीशु के पास आते हैं, मांगते हैं, प्रभु उन्हें देता है। उन्होंने चंगाई मांगी, चंगाई दे दी, बच्चा मांगा, बच्चा दे दिया, नौकरी मांगी, नौकरी दे दी, जो मांगते हैं प्रभु देता है। और फिर वो निकल जाते हैं, वो परमेश्वर के संतान नहीं बनते हैं, परमेश्वर के बच्चे नहीं बनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु के पास पहली बार आते हैं, मांगते हैं, उन पर अनुग्रह होता है, प्रभु उन्हें देता है, देने के बाद वे प्रभु की ओर देखना शुरू करते हैं, उसको पहचानना शुरू करते हैं, वे सत्य के वचन को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु पर विश्वास करके विश्वास का सफर शुरू करते हैं। आप क्या हो गए? आप अभी परमेश्वर के बच्चे हो गए, आप मांगने वाले गरीब व्यक्ति नहीं रहे परंतु परमेश्वर के बच्चे हो गए। और यदि आप परमेश्वर के बच्चे हो गए, संतान बन गए, तो ध्यान में रखना वो आपके साथ एक बाप की तरह बर्ताव करेगा। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। किसकी ताड़ना करता है?
जिस पर प्रेम करता है, किसको कोड़े लगाता है, जिसको उसने अपना पुत्र बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है और आप जीवन के वचन को ग्रहण करके विश्वास का सफर कर रहे हैं, तो आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही है, आपके रास्ते में जो भी रुकावटें खड़े हो रही है, इन सबों की ओर देखकर निराश मत होना, उदास मत होना, परंतु ये जान लेना कि परमेश्वर ने मेरा पुत्र या कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया है, उसने मेरा स्वीकार किया है और वो मेरे साथ एक पुत्र की तरह बर्ताव करता है। और ये परमेश्वर इसीलिए करता है, बाइबल में परमेश्वर ने कहा था, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बन जाओ, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बन जाओ। हमारा बाप पवित्र है, हम उसके बच्चे बन गए ना, तो वो कहता है अभी तुम भी पवित्र बन जाओ। हमारे भी जीवन से गंदगी निकल जानी चाहिए, हमारे जीवन का हर एक टेढ़ा रास्ता सीधा बनना चाहिए, हमारे जीवन की हर एक बुरी बात निकल जानी चाहिए। जैसा हमारा परमेश्वर है वैसे हम बन जाए, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी हमारे बारे में योजना है। और ये योजना इसीलिए है कि वो नहीं चाहता है धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम नरक में जाए, परंतु वो चाहता है ये जिंदगी खत्म होने के बाद हम उसके पास स्वर्ग में पहुंच जाए और अनंत काल उसके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो हमें कोड़े लगाता है, इसीलिए वो हमारी ताड़ना करता है। आप मुझे बता दीजिएगा, आपने प्रभु के पास हर वक्त मांगा और तुरंत आपको मिलते गया, मिलते गया, मिलते गया, क्या हम सुधर सकते हैं, क्या हम बदल सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम दो दो महीना, तीन तीन महीना किसी बीमारी से गुजरते हैं, दिन रात मांगते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, तो भी हमें चंगाई मिलती नहीं। तीन महीने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह होता है, चंगाई हो जाती है। लेकिन तीन महीने के बाद जब ये चंगाई होती है ना, हमारी आत्मा में एक बड़ा बदलाव हो जाता है, क्योंकि तीन महीना जब हम बीमारी से गुजर रहे थे उस समय प्रभु के साथ बहुत समय बिताया, बहुत बाइबिल पढ़ा, बहुत प्रार्थना की, अपनी आत्मा को बहुत सुधारा। और जब प्रभु को लगता है कि जितना बदलाव होना जरूरी है उतना हो गया, फिर प्रभु हाथ बढ़ाता है, छू लेता है, चंगा करता है। और हम तो शरीर में चंगाई महसूस करते ही हैं, पर इसके साथ हम ये भी महसूस करते हैं कि हमारी आत्मा में भी बदलाव हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ऐसे लोग नहीं चाहता है कि जो प्रभु के द्वारा चंगाई पाए, आशीष पाए, और फिर एक बार अपने टेढ़े रास्ते से चलते रहे, गंदे काम करते रहे, नहीं चाहता है। लोग होते हैं ऐसे, प्रभु के पास आएंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, दया कर, मुझे चंगा कर, रोएंगे, छाती पीटेंगे, बहुत प्रार्थना करेंगे, और प्रभु तरस खाकर दया करता है, उन्हें ठीक करता है, घर जाकर दोबारा गालियां देना शुरू कर देते हैं, दोबारा औरत को मारपीट करना शुरू कर देते हैं, दोबारा दूसरों को फंसाना और लूटना शुरू रखते हैं। इसका मतलब क्या, इनका शरीर चंगा हो गया पर आत्मा चंगा नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका शरीर चंगा हो गया, आत्मा चंगा नहीं हो गया। प्रभु ने इसके शरीर को अच्छा किया पर आत्मा बदला नहीं। आत्मा बदलने की कोशिश प्रभु उन लोगों के बारे में करता है जो परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। आप ये मत कहिएगा ये मनुष्य इतना बुरा है, इसके साथ कुछ भी बीमारी या कोई संकट नहीं है, उसके जीवन में कुछ बुरा नहीं घटता है, ये मनुष्य इतना गलत काम करता है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता है। मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, तो भी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? वचन कहता है प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, वो जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है।
प्रभु चाहता है कि हम बदल जाए, सुधर जाए, हमारी जिंदगी की गलत बातें निकल जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ और हम बस प्रभु के पास मांगते गए वो देते गया तो हम बदलेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, हम दिन ही दिन अपवित्र ही बनते जाएंगे और मरने के बाद हमारे लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं होगी। प्रभु तो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, चंगाई देगा, आशीष देगा और मृत्यु के बाद हम नरक में जाएंगे जिसका कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान में रखना, परमेश्वर उसके बच्चों के लिए जो भी करता है उनकी भलाई के लिए करता है हर बात। चाहे आपको चंगाई कुछ महीने के बाद क्यों ना मिले, चाहे आपको आशीष कुछ एक लंबे समय के बाद क्यों ना मिले, लेकिन जो भी प्रभु आपके लिए करेगा भला करेगा। और उनके लिए वो भला करता है जो उसके बच्चे बन गए हैं और जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने लाजर नाम के एक मनुष्य को मृत्यु के 4 दिन बाद जीवित किया था। इस मनुष्य के बारे में ऐसा लिखा गया है कि यीशु इससे प्रेम करता था, लाजर से यीशु प्रेम करता था। और ऐसा लिखा गया है कि जब ये मनुष्य बीमार था तब उसकी बहनों ने प्रभु के पास संदेश भेज दिया था, कहलावा भेज दिया था कि आपका दोस्त, आपका प्यारा दोस्त लाजर बहुत बीमार हो गया है। वहां पर ऐसा लिखा गया है, प्रभु लाजर से और उसकी दोनों बहनों से प्रेम करता था, इसलिए वो जहां पे था वहीं पे रुका रहा। अजीब सा वचन है, अजीब सा वचन है। प्रभु लाजर से और उसकी बहन मार्था और मरियम से प्रेम रखता था, इसलिए जब उसी को ये संदेश मिल गया कि लाजर बीमार है तो वो जहां पे था वहीं रुका रहा। सच्चाई में ऐसा वचन होना चाहिए था कि प्रभु उनसे प्रेम करता था, इसलिए जैसे ही प्रभु को बताया गया प्रभु दौड़ते दौड़ते उनके घर गया। यह सच्चाई है, जो प्रेम करता है उनके लिए हम दौड़ के जाते हैं। यीशु उनसे प्रेम करता था इसीलिए वो गया नहीं, जहां पे था वहीं रुका रहा। उसके बाद वो बेचारा लाजर और ज्यादा बीमार हो गया, मर गया। उसकी लाश को कब्र में रखा गया और उसके बाद यीशु अपने चेलों को बोल रहा है, चलो हम वहां जाए। चेले भी अचंभित हो गए, प्रभु को पहले ही बताया गया था जब वो बीमार था, ये गया नहीं, ये उससे प्रेम करता था, उसकी बहनों से प्रेम करता है, तो भी उसको पता चलने के बाद ये गया नहीं, 2 दिन यहीं पे रुका रहा। और अभी वो तो मर गया है और अभी प्रभु वहां जाना चाहता है, लेकिन प्रभु के मन में कुछ तो अलग ही बात थी। और फिर प्रभु अपने चेलों को लेकर वहां पर पहुंच गया, कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर धरा था। प्रभु उस गांव में उस कब्र के पास पहुंचा, तब तक उसको जाने में और 2 दिन लगे थे, मतलब लाजर को मर के 4 दिन बीत चुके थे। लाजर की बहन वहां पर आ गई, उसने प्रभु को कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। इन सबों की यही इच्छा थी कि जब हमारा भाई बीमार था तब हमने प्रभु को बताया था, यदि प्रभु दौड़ते आ जाता और उसे चंगा करता तो आज ये नौबत ना आती, अभी खत्म हो गया सब, क्योंकि उसे मर के 4 दिन हो गए हैं। प्रभु ने जब कहा कि पत्थर को हटाओ, कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर था उसे हटाने के लिए कहा, तब भी उसकी बहन बोलने लगी, अभी उसमें से बड़ी दुर्गंध आ जाएगी, उसे मर के 4 दिन बीत चुके हैं, अभी उसमें से दुर्गंध आ जाएगी। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर को हटाया गया, यीशु ने ऊंचे आवाज में लाजर को पुकारा, हे लाजर बाहर आ जा, और जिसे मर के 4 दिन हो चुके थे वो जीवित होकर बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु जिस पर प्रेम करता है उसके लिए छोटा चमत्कार नहीं बड़ा चमत्कार करता है। प्रभु जिस पर प्रेम करता है उसके जीवन में छोटा काम नहीं बड़ा काम करता है। पर ये बड़े काम के लिए हमें धीरज धर के इंतजार करना पड़ता है, धीरज धर के बाढ़ चोहनी पड़ती है। लाजर की बहनों को क्या लगा था जब हमारा भाई बीमार था? हमने प्रभु को बताया था यदि वो आता तो उसे चंगा करता। अभी कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ आशा नहीं है। जब लाजर मर गया तभी भी प्रभु नहीं आया। उसके मरने के 4 दिन पूरे होने के बाद प्रभु वहां पर पहुंच गया और प्रभु ने उसको जीवित किया। 4 दिन के बाद एक मृत शरीर की लाश की क्या हालत होती है बताइए? जब कोई मनुष्य मर जाता है 24 घंटे के अंदर उसके शरीर से बदबू आना शुरू हो जाता है। 24 घंटे के अंदर उसके शरीर में से सड़ने की क्रिया शुरू हो जाती है, बदबू आती है। तो 4 दिन में इस लाश का कब्र में क्या हाल हुआ रहेगा? लेकिन प्रभु जिस पर प्रेम करता है उसके लिए छोटा काम नहीं बड़ा काम करता है, छोटा चमत्कार नहीं बड़ा चमत्कार करता है। और वही बड़ा चमत्कार प्रभु ने इस मनुष्य के लिए किया जिससे वो प्रेम करता था। यह है परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने दिमाग से सोचते हैं और हमें लगता है ऐसा करना चाहिए, प्रभु ने वैसा करना चाहिए। कितने सारे लोग बोलते हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। जब लोग ऐसा बोलते हैं तब मुझे कभी कभी हंसी आती है, जैसा कि हम परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमानी है और हमें ज़्यादा समझता है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके साथ ये बुरा नहीं होना चाहिए था, उसके साथ ये बुरा नहीं होना चाहिए था। ये मत समझो कि हम परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमानी है। परमेश्वर सारी बुद्धि का स्रोत है और वो जो करता है भला करता है, भला करता है और सिर्फ भला करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने चेलों को कितने बार डांटा था, यीशु के 12 चेले जिन्होंने यीशु के लिए अपना घर बार सब छोड़ दिया था, काम धंधा छोड़ दिया था, दिन रात यीशु के पीछे हो लिए थे, इन चेलों को प्रभु ने कितने बार डांटा है, कितने बार उनकी गलतियां उनको दिखाई है। वचन कहता है जिनसे प्रभु प्रेम करता है उनकी वो ताड़ना भी करता है और जिनको पुत्र बना लेता है उनको कोड़े भी लगाता है। क्या परमेश्वर के पुत्र और कन्या बन गए हैं तो आनंदित रहो। दुख के समय, बीमारी के समय, संकट के समय, आपके जीवन के सारे बुरे समय में भी आनंदित रह जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपका स्वीकार किया है पुत्र और कन्या के रूप में। वो आपका सच्चा बाप बन गया है और वो आपके लिए जो भी करेगा भला करेगा, भला करेगा और भला ही करेगा। चाहे वो बात कुछ समय के लिए आपको लग रही है कि इसमें मेरा नुकसान हो गया है, इसमें मुझे बड़ा दुख हुआ है, इसमें मुझे बड़े कष्ट झेलने पड़े हैं, ऐसा आपको कुछ समय तक लगेगा, पर आगे जाकर आप पाओगे कि प्रभु ने आपके साथ जो किया भला किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ एक भिखारी या कंगाल मनुष्य की तरह बर्ताव मत करो। हम मांगते हैं दे दो, हम मांगते हैं दे दो। ऐसे भी कई लोग हैं जो प्रार्थना में केवल तब ही आते हैं जब उनके जीवन में कोई संकट या बीमारी आती है। वे आएंगे प्रार्थना में, भाग लेंगे, 1 सप्ताह आएंगे, 2 सप्ताह आएंगे, 3 सप्ताह आएंगे, जब तक उनकी समस्या खत्म नहीं होती, बीमारी खत्म नहीं होती वे आएंगे। एक बार उनकी बीमारी खत्म हो गई या उनको जो प्रार्थना का जवाब चाहिए था मिल गया, वे आना बंद कर देते हैं। दोबारा कब आएंगे? 8-10 महीना के बाद या 1-2 साल के बाद कोई दूसरी बीमारी आ गई, दूसरी परेशानी खड़ी हो गई, दूसरा कोई संकट आ गया, दोबारा आते हैं। मैंने इतने सालों में ऐसे कई लोगों को देखा है जो हर साल में 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे और जब आते हैं किसी समस्या को लेकर आते हैं, समस्या खत्म हो गई, प्रभु को भूल जाते हैं। आप परमेश्वर के साथ ऐसा बर्ताव मत करो।
वरना आप आपके घर के सामने आए भिखारी को 2 रुपए देते हैं और उसको निकाल देते हैं, वैसा परमेश्वर भी हमारे साथ बर्ताव करेगा। हमें भिखारी की तरह प्रभु के पास मांगना नहीं है और 2 रुपया लेकर निकल नहीं पड़ना है, हमें उसकी गोद में रहना है, उसके पास रहना है। जैसा वो है वैसा हमें बनना है, उसकी तरह। वो हमें बदलने की कोशिश करता है, वो हमें सुधरने का मौका देता है, और इसीलिए ऐसा आप अनुभव करोगे कि हर बार जब हम मांगते हैं वो नहीं देता है, कई बार देता नहीं है, वो हमारे अंदर बदलाव को देखना चाहता है। और यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, और ये पवित्र आत्मा हर घड़ी हर पल हमें परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते रहता है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हर दिन हर घड़ी परमेश्वर की इच्छा को हमें प्रकट करते रहता है, बताते रहता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो हमें बताते रहता है। यदि हम सुनते नहीं है तो परमेश्वर की ओर से हमारी ताड़ना होती रहेगी, हमें कोड़े मिलते जाएंगे, पर वचन कहता है उसे सह लो। क्यों सहलो? परमेश्वर तुम्हारे साथ बाप की तरह बर्ताव करता है। इस ताड़ना के द्वारा, इस कोड़ों के द्वारा आप सुधर जाओगे, आप सही रास्ते पर आ जाओगे, आपका टेढ़ा रास्ता सीधा बन जाएगा, आपका गंदा दिल सही बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, आप बदलते जाओगे बदलते जाओगे बदलते जाओगे। ध्यान में रखना, परमेश्वर की ओर से ताड़ना एक बार नहीं होती है, कोड़े खाना एक बार नहीं मिलता है, ये तो मरते दम तक मिलते जाएगा। परमेश्वर हमारे साथ ताड़ना हमेशा करते रहेगा, हमेशा कोड़े लगाते रहेगा, ताकि हम दिन ही दिन बदलते जाए बदलते जाए बदलते जाए, और अंत में हम उसके स्वरूप के समान, प्रतिरूप के समान बन जाए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो हमें धरती पर बड़ा अमीर या सम्मानित व्यक्ति नहीं बनाना चाहता है, परंतु वो हमें स्वर्ग में लेना चाहता है और अनंत काल उसके पास रखना चाहता है। कई सारे लोग इसलिए प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं कि वो धरती पर अमीर बनना चाहते हैं, सम्मानित बनना चाहते हैं, उन्हें सब कुछ धरती पर ही चाहिए, और इसलिए वो बार बार मांगते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये दीजिए वो दीजिए, वो सारी चीज़ें धरती पर चाहते हैं। पर प्रभु अपने बच्चों के लिए चाहता है कि वे स्वर्ग में आ जाए, अनंत जीवन में पहुँच जाए, और अनंत जीवन में वे अमीर बन जाए, अनंत जीवन में वो हंसते रहे, खुश रहे, शांति में रहे। और इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों को ताड़ना देते रहता है, कोड़े लगाता रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन कहता है ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है। यदि हमारे धरती के बाप हमारी ताड़ना करते हैं, यदि धरती के बाप भी हमें थप्पड़ लगाते हैं, हमें सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, कितने बच्चों का यह अनुभव है कि हम अपने पिता के पास मांगते हैं और वो तुरंत देते नहीं है, मांगते हैं तुरंत देते नहीं है। कई बार बच्चों को पिताजी शर्त लगाते हैं, इस परीक्षा में इतने अंक लाए तो तुझे साइकिल दूंगा, इस परीक्षा में इतने अंक लाए तो तुझे मोबाइल दूंगा, इस परीक्षा में इतने अंक लाए तो तुझे मोटरसाइकिल दूंगा, ये परीक्षा पास करके दिखाएगा तो तुझे ये गाड़ी दूंगा। क्यों? ये शर्त वो बाहर वालों के साथ नहीं लगाते, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि वे बच्चों से प्रेम करते हैं। एक पापी मनुष्य यदि अपने बच्चों का इतना भला देखता है तो परमेश्वर कितना ज़्यादा भला देखता है। हालेलुया। हम एक दिन में बदल नहीं जाते, एक दिन में सुधर नहीं जाते। हमने हालेलुया बोलना शुरू किया, तालियां बजाना शुरू किया, गाना गाना शुरू किया, बाइबिल पढ़ना शुरू किया, इसका मतलब ये नहीं है एक दिन में हम बदल गए और परमेश्वर के समान बन गए। नहीं नहीं नहीं, ये इतनी आसान बात नहीं है। कितने सारे लोग जब बीमार होते हैं बड़े नम्र रहते हैं, उनका आवाज़ भी धीमे से आता है, आवाज़ भी धीमे से आता है और बड़ी नम्रता से बोलते हैं,
बस जैसे ही उनकी बीमारी खत्म हो जाती है वे कड़क बन जाते हैं। उनका चिल्लाना, गालियां देना, दूसरों के साथ झगड़े करना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर पापी है, इतनी आसान बात नहीं है कि एक दिन में हम बदल जाते हैं, एक दिन में संत बन जाते हैं, एक दिन में कोई बदलता नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि परमेश्वर एक बार ताड़ना नहीं करेगा, एक बार कोड़े नहीं लगाएगा, बार बार करेगा, बार बार करेगा। जब जब वो देखेगा कि हम टेढ़े चल रहे हैं, जब जब वो देखेगा कि हमारा चाल चलन अच्छा नहीं है, अनंत जीवन के लायक नहीं है, तब तब वो हमें सुधारने के लिए कोशिश करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के साथ एक दुकानदार के समान बर्ताव मत किया करो। कई लोग दुकानदार के समान बर्ताव करते हैं, कई लोग जादूगर के प्रभु को जादूगर समझते हैं और जादूगर के समान बर्ताव करते हैं। उन्हें लगता है हमने तेल लगाया, पानी लगाया, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, तुरंत ठीक हो जाए। ये कोई जादू नहीं है। तेल लगाया, पानी लगाया, वचन बोल दिया, प्रभु तुरंत ठीक करेगा। कई बार ऐसा होगा प्रभु आपको एक सप्ताह रुकाएगा, एक महीना रुकाएगा, दो महीना रुकाएगा, छः महीना रुकाएगा। ये प्रभु इसीलिए करेगा, वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ एक पुत्र की तरह बर्ताव करता है। पुत्र की तरह, आप उसके बच्चे हैं तो वो आपके साथ पुत्र की तरह बर्ताव करेगा और हमेशा तुरंत जवाब नहीं देगा, परंतु वो चाहेगा कि आप बदल जाए और आपके अंदर सच्चा परिवर्तन आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जीवन में जिस समस्याओं से गुजर रहे हैं, जिस संकट से गुजर रहे हैं, जिस बीमारियों से गुजर रहे हैं, उसके बारे में सोचो कि आपके जीवन में क्यों है। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, तो आपके जीवन में क्यों चल रहा है उसे ही पूछो, वो आपको जवाब देगा। आपके अंदर बदलाव करो, परमेश्वर के द्वारा आई हुई ताड़ना को सह लेना, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, परंतु ये किस लिए आया है उसे ढूंढ लेना, जांच लेना और अपने आप में बदलाव करते जाना, ताकि हम बदलते जाएंगे और परमेश्वर के प्रतिरूप समान बन जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिल जाएगा कि धरती के जीवन के खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुँच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहन, आपके जीवन में क्या समस्या थी? सिस्टर, मेरे जीवन में बहुत कर्जा का समस्या था। हम लोग बहुत कर्जा था, इतना कर्जा था कि हम लोग सोच नहीं सकते थे कि भर पाएंगे। लेकिन सिस्टर, मैं यहाँ का ब्रदर का घर पर वचन सुनती थी, तो वचन में ब्रदर बोले कि सिब्रेटेन मार्टिन ब्रदर बोले कि कर्जा मत करो, कर्जा के कहो कि मेरा कर्जा भी भर जाएगा, गाड़ी भी ले लेंगे। तो मैं वही वचन सुनकर कहती थी कि मेरा घर किचन नहीं था, बैठका नहीं था घर में, तो मैं वही बोलती थी कि कर्जा तो मेरा भर जाएगा शैतान, लेकिन मैं घर जाकर घर बनवाऊंगी। मैं हमेशा ये वचन को रोज बोलती थी, रोज कहती कि मैं घर बनाऊंगी, कर्जा भराएगा चाहे कुछ भी होगा, लेकिन मैं तो घर बनवाऊंगी, कि जाकर चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा बनवाऊंगी, बाकी जरूर बनाऊंगी। घर गई सिस्टर, पैसा बहुत थोड़ा था। मैं घर बनाने के बोली, हम लोग सोचे थे कि पतरा उतरा धर जाएगा, घर तो ऊपर नहीं जा पाएगा, लेकिन जब घर बनने लगा, सब सामान एकदम आ गया, पूरा घर बन गया, बैठका किचन बन गया। अभी रेती बालू और गिट्टी ईटा तो गिराएगा तो एक ईटा उसमें नहीं लगा, जो घर उजारा गया उसी में का पूरा ईटा वो भी बच गया, पूरा मेरा घर बन गया, कर्जा भी भर गया। इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्रदर के मुंह से जो प्रवचन सुना था कि शैतान को कहो कि कर्जा भी भर जाएगा और मैं प्रभु के नाम से दूसरा घर भी बना लूंगा, उस वचन को आपने दिल में लिया और बार बार उस वचन पर विश्वास करके आप बोलते रहे, प्रभु का अनुग्रह हो गया। हाँ, मेरे जो बोलती थी कि मेरा कर्जा तो भर जाएगा लेकिन जाऊंगी इसकी तो घर बनवाऊंगी,
घर भी बनवा लिया और जो आपने मटेरियल सामान ज्यादा लाया था वो बच भी गया, पूरा बच गया, अभी भी एक घर बन जाएगा। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु ने बहुत बड़ा अनुग्रह किया आपके ऊपर, इस बहन के जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया है। इसके अलावा वो बता रही हैं कि 2 महीना पहले उनके मन में किसी बात को लेकर डर पैदा हो गया था, उस डर की वजह से वो कहीं भी अकेले बाहर नहीं निकलती थी, बार बार उनका वो डर सताता था, लेकिन विश्वास से वो वचन बोलते रहे, प्रभु का अनुग्रह हो गया, मन का डर भी निकल गया, अभी वो कहीं भी अकेले आते जाते हैं। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन जी क्या गवाही है आपकी? मेरी ये गवाही है, पिछला संडे को मुझे 2 साल से बहुत सर में दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन पिछला संडे को दिन सर्दी जुखाम बुखार और बहुत फिर दर्द भी, सर मेरा बहुत दर्द था सर्दी जुखाम के कारण। तो पिछला संडे को आई तो मैं प्रार्थना भी सही से नहीं कर पा रही थी, मैं बैठ जा रही थी फिर उठ जा रही थी, लेकिन मन था मेरा प्रार्थना करने का लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। मतलब सर में दर्द हो रहा था इस वजह से? हाँ, इसी की वजह से। तो मैं बैठकर प्रार्थना की, प्रार्थना में भाग ली, उसके बाद मैं घर पे गई तो लग रहा था क्या मेरे सर से कुछ निकल रहा है, उसके बाद से दर्द खत्म हो गया। उसके बाद अभी 1 हफ्ता हो गया सर में दर्द नहीं है? नहीं नहीं। अगली क्या गवाही है? मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था 2 साल से, बहुत ज़्यादा आता, जब मैं प्रभु में नहीं थी ना तभी से मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, बहुत ज़्यादा, इतना गुस्सा आता था ना, जब मैं प्रार्थना से होकर जाती थी घर पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बच्चे को मारती थी, कुछ भी हाथ में फिर हाँ। गुस्सा जो है, गुस्से की जो दुष्ट आत्मा, वो इतनी ज़्यादा हावी हो जाती थी कि प्रार्थना के बाद से वो उभर आता था? बहुत ज़्यादा, मेरा आँख भी लाल लाल सा हो जाता था, और बच्चे को मैं इतना मारती थी ना कोई चीज़ हाथ में मतलब पकड़ती थी, चाहे कोई चक्कू हो चाहे पलटा हो कुछ भी हो, मैं फेंक उसको मार देती थी, ये भी नहीं समझती थी कि उसको चोट लगे ना लगे क्या लगे, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था। पर ज़्यादा खास करके मैं प्रार्थना से होकर जाती थी और उपवास प्रार्थना घर पर करी या यहाँ पर करी मैं जाती थी तो मुझे बहुत हार्ड गुस्सा आता था, अब बच्चे को इतना मैं मारती थी ना कि उसके नाक से ब्लड भी आता था, फिर भी नाग रो रही है ब्लड गिर रहा है, फिर भी मैं जूती निकाल कर जूती बहुत इतना मारती थी ना कि बच्चे को मेरे भाग से कैसे भगवान के भाग से वो बची है तो वो मर जाती, इतना मैं मार। कितने साल की बेटी आपकी? 5 साल की है, 1 या 3 साल की है। इतना ज़्यादा गुस्सा था कि बिल्कुल भी आपको कंट्रोल नहीं होता था? नहीं कंट्रोल आ पाता था, कुछ भी लगता था कि उसको चक्कू लेके मार दूँ, उसको ऐसा लगता था मुझे, पशु लेती थी ना कुछ चक्कू लेती थी भाजी काटने के लिए और बदमाशी वो करती थी, कुछ भी मेरा बात नहीं मानती थी, मन करता कि वही पशु से उसको नट्टी काट दूँ, ऐसा लगता था मुझे, बहुत हार्ड गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा, खुद पर मैं काबू नहीं कर पाती थी, कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तो कैसे फिर आपका गुस्सा ख़त्म हो गया? जब मैं मारती थी तो उसके बाद मेरे अंदर में इतना होता था क्या कि मैं क्यों कर रही हूँ, मेरी बच्ची 5 साल की है 1-3 साल की है तो मैं वो गलती नहीं कर रही तो मैं क्यों उसको मार रही हूँ, मतलब अंदर से पवित्र आत्मा आपको बोलता था ऐसा? तो मैं बहुत ज़्यादा मैं रोती थी, रो कर जब मैं मार देती थी तो बहुत ज़्यादा रोती थी, रो कर प्रार्थना करके मैं सर को नीचे गिरा गिरा के मैं बहुत रोती थी कि अच्छी बात नहीं है, मैं प्रभु में जाती हूँ ये गलत कर रही हूँ मैं ये गलत। उसके बाद धीरे 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 मेरा गुस्सा ख़त्म हुआ, अभी गुस्सा नहीं आता है बेटी के ऊपर? नहीं नहीं। और अगली क्या गवाही है? अगली ये गवाही है कि मैं ये बाइबल का जो है ना वो पेज नंबर मुझे वो मुझे सब कुछ आता है पढ़ने वढ़ने, लेकिन मेन बात है मैं निकाल नहीं पाती थी, मतलब बाइबल में का जो संदर्भ और वचन रहता है वो पता नहीं चलता था कैसे निकालना है? हाँ वो नहीं पता चल, मैं शिविर में गई 8 जुलाई को और ये बड़ा बाइबल लेकर गई और छोटा भी लेकर गई, लेकिन मैं रखी हूँ और ब्रदर जब प्रवचन दे रहे थे तो पेज नंबर बोले कि इतना निकालो उतना, मैं सोची क्या कि मुझे आता ही नहीं है, 2-2 बाइबल लेकर मैं आई मुझे आता ही नहीं है तो मैं क्या निकालूँ, तो उसके बाद में मन में सोची कि मैं गवाही दूंगी मुझे पेज नंबर सब आ जाएगा निकालने, तो मैं घर पे गई और उसके बाद मैं प्रवचन सुनने लगी बंद्रा सिस्टर का तो मुझे निकालने आ गया, उसी वक्त मैं फटाक फटाक निकाल ले रही थी, तभी आपको तुरंत मालूम पड़ने लगा मोबाइल के ऊपर आप सिस्टर का प्रवचन देख रहे हैं, तो जब सिस्टर ने संदर्भ और अध्याय बताया तभी आपने तुरंत बाइबल में से खोल करके निकाला वचन और निकाल भी लिया, उसको मतलब पलटी मार भी दिया कि मैं बार बार मुझे याद आए कि हाँ मैं कभी फिर भी शिविर में जाऊंगी ना तो ये सब है ना ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ मैं तुझे विश्राम दूंगा, ये सब मैं पलटी करके रख दी, मैं जाऊंगी फिर शिविर में तो मैं बोलूंगी। प्रभु ने अनुग्रह किया आपके ऊपर और आपके मन में काफ़ी ज़्यादा डर रहता था?
हाँ ये डर था कि जब मैं शिविर में आती थी, शिविर में सॉरी, मैं यहाँ पे प्रार्थना में आती थी तो मैं अकेले नहीं आ पाती थी, लगता था कि मुझे डर लगता था। एक दो बार हस्बैंड के साथ में आए तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं अकेले जा नहीं पाऊँगी और मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे तो मैं अकेले कैसे प्रार्थना में जाऊँगी। तो लेकिन एक दो बार मैं आई अकेले और धीरे धीरे मेरा डर भी खत्म हो गया। अब मन करता, जब मन करता मैं चली आती हूँ प्रार्थना मुझे अकेले। हाँ मैं अकेले। प्रभु ने इनको मुक्त किया है, आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपका नाम बताइए। श्रीकांत। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही ये है कि सन 2002 से ये इधर एक गांठ हो गया था, फोड़ा इधर हुआ था, इसमें बाती चलाते थे तो इसको बांध के ऐसा टांगे रहता था तो यहाँ पे फोड़ा हो गया था, एक कबूलिया चना के जैसा इधर गांठ पड़ गया था ना। तो प्रभु में आते आते इधर प्रार्थना करते करते फिर प्रार्थना करवाते करवाते ये कब गांठ निकला मुझे पता ही नहीं चला। प्रभु मुझे ये चंगा किए, इससे मुझे छुटकारा दिला, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मतलब आपका कहना है 2002 से आपको यहाँ पर गांठ जैसा हो गया? हाँ, यहाँ उसको गाड़ी चलाने में तकलीफ होता था। कौन सा गाड़ी चला? रिक्शा चलाने में तकलीफ होता था, गियर डालने में तकलीफ, ये दर्द करता था। अगली क्या गवाही? अगली गवाही है कि मैं वो नशा बहुत करता था, दारू, गांजा, भांग, गुटखा, बहुत नशा करता था। दारू तो डिग्गी में रखता था, उसके बाद घर जाने के टाइम थोड़ा पहले गाड़ी रोक के खा पी के उसके बाद मैं वो क्या बोलते हैं, धनिया नहीं होता है खड़ा धनिया जो डालते हैं, वो धनिया मैं खा के तब घर पे जाता था कि ताकि घर वालों को किसी को पता ना चले ना। मतलब उसका जो खुशबू, धनिया का खुशबू मुँह से आएगा तो घर वालों को पता नहीं चलेगा? घर वालों को नशा किया हूँ पता नहीं चलेगा, इतना मैं दारू पीता था। आप पीने के बाद तब घर पे जाता था, आराम से सब सोए रहते थे, मैं खाना खा के मस्त जाके आराम से नींद से सोता था। बहुत नशा करता था मैं अब कभी नहीं सोचता था कि इसका बुरा मुझे मेरा बुरा अंजाम है हमारे परिवार पे पड़ेगा, मैं कभी सोचता ही नहीं था कि जो मैं गलती कर रहा हूँ वो मेरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये सब नशा आपका कैसे छूट गया? ये सब नशा छूटा जैसे मैं पहले दिन जब प्रभु के भवन में 2 साल हो गया, जब पहले दिन कदम रखा उसी दिन से आज तक मैं दारू हाथ नहीं लगा। उसी दिन से। मतलब आज ये 2024 साल है, 2022 में आप जब पहली बार प्रार्थना सभा में आए उसी दिन से प्रभु ने आपके दिल को छू लिया। प्रभु का धन्यवाद। और आपकी क्या गवाही थी, मतलब आपकी क्या समस्या थी? आपको बहुत सारा गुस्सा आता था बता रहे। गुस्सा इतना था आता था कि मैं अपना मोबाइल स्वयं अपने पैर से तोड़ डाला ना, 1600 का लिया था। मैं बटन वाला चलाता हूँ भाई, रिक्शा ड्राइवर हूँ। तो मैं अपना गुस्सा से नया ही मोबाइल लिया था, गुस्सा आया, सिर्फ बड़ी लड़की बोली मैं हमारे बड़ी मोबाइल वाली उसको चार्जर अपने में मत लगाओ। मैं कुछ बोला वोला नहीं, तुरंत मोबाइल उठाया और उसके इतना कुचा कि मेरे पैर का चमड़ी उसमें चला गया ना। इतना आपको गुस्सा आता था कि आपके थोड़े थोड़े बात पे आपने मोबाइल तक पटक के मतलब पैर से कुचल के तोड़ दिया? हाँ, कुचल के तोड़ दिया उस। नहीं मतलब आपको बहुत सारा ये गुस्सा आता था, और क्या क्या किसका गुस्सा आता था? इतना गुस्सा आता था कि अपने पति को, प्रभु के भवन में आने के बाद बता रहा हूँ, आता था तो भी उसको अपने पति को गुस्सा करता था। कुछ ही बात में उसको चप्पल से मार दिया, एक दिन मारा उसको चप्पल से। मेरी एक लड़की बोलती जाने दो पिताजी, रोने लगी ना, पापा जाने दो। फिर मैं गुस्सा करके अपना कपड़ा भर के चला गया भाई के पास कांदी वाली। मैं बोला आज के बाद मैं घर में आऊँगा ही नहीं, ना आऊँगा ना झगड़ा होगा ही। मैं इतना बहुत गुस्सा था कि किसी को अपने बेटे को कुछ बोल देता, बच्ची को लोग किसी को भी बोल देता था, अपने पत्नी को सबसे ज़्यादा बोलता था। मतलब ये सारी बुरी आदत कैसे चली गई? ऐसे प्रभु में आते 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 धीरे धीरे कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। आज एक औरत बोली कि अपने बेटी को मैं चक्कू से मार देती थी ना, तब मुझे याद आया कि मुझे एक गवाही देना चाहिए, नहीं बाद में मैं फिर दोबारा ये करने लगूँ। लेकिन अभी आपने प्रभु के दिल में, आपके दिल में प्रभु की शांति आई? हाँ, बहुत शांति है। मैं इतना खुश हूँ कि मैं सोचता हूँ प्रभु हमेशा मेरे साथ में, पूरे जितने जन भाई बहन है सबके साथ में प्रभु हमेशा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद। आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। कुंतला यादव। क्या गवाही है? मेरी गवाही है कि मेरे जेठान की लड़की है ये, और मेरी जेठानी है, इनकी लड़की बहुत दिन से बीमार रहती थी। सन 2019 से बीमार होने चालू हो गई, जब होता था तब गिर जाती थी,
मतलब चक्कर आता था उसे, पूरा चक्कर आता था। फिर उसके दवा बहुत चालू हो गया, इनको भी दवा, इनको भी दवा, मेरे जेठ को भी दवा होने लगा, लड़का को भी, सबको दवा चल रहा था। ऐसे मतलब उसको चक्कर अचानक से आ जाता था, अचानक से आता था उसको चक्कर। और कभी कभी घर में अपना बंद कर लेती थी तो हम लोग सब लोग इन लोगों सब घबरा जाती थी कि काहे को अंदर से बंद कर ली, खूब चिल्लाती थी अपने मन। मतलब दुष्ट आत्मा का प्रभाव था उस पर, दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। 2019 से पूरा 22-23 तक उनको था, हमेशा उसे ऐसे चक्कर आते रहता था, ऐसा उसकी हरकत रहती थी। मैं भी जाती थी तो भी उसको यही परेशानी, वहाँ से टीचर बोलती थी आके लेके जाओ, तो जाके लेके आती थी। बहुत ज़्यादा घबराया लोगों को हो रहा था कि अब क्या करूँ। लड़की जाते हैं तो मैं अपने आदमी से बोली, एक बार भाई से बोलो अपने कि लेके चले प्रभु जी। मैं बोले मैं नहीं जाऊँगी, तू जा रहा है ना, तू जा, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर। तो मेरे आदमी बोले कि वो बोलते नहीं जाएंगे हम। हम कहे ठीक है, मैं आई यहाँ पर प्रार्थना की, हे प्रभु वो लड़की जात है, कहाँ पर जाएगी अगर कोई कुछ हो जाएगा उसको। तो मैं यहाँ प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही। फिर कुछ दिन बीतते भी, एक आध साल बीतते हुए जब परेशान हो गए लोग, तब फिर जेठानी मेरे फ़ोन करी। मैं बोली क्या करूँ रे, इसका बीमारी तो नहीं जा रहा है। मैं बोली चलो ना, मैं बोलती हूँ ना चलो वहाँ पर, जो होएगा सो प्रभु ही करेगा और हम लोग के करने से कुछ नहीं होने वाला है। बोली तो आओ सोपारा फाटा, मैं अपना सारा काम छोड़, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उसको छोड़ के मैं सोपारा फाटा भाग के आई, इनको ले के यहाँ पे आई। तुरंत आते वहाँ पे गिर गई, मेरी जेठानी बोली गिर गई, ये गिर गई। मैं बोली जब ये बेटी गिर गई यहाँ आने के बाद, तुरंत जब की प्रार्थना चल रहा था ना, तुरंत गिर गई। ऐसे गिरी, अपने आप गिर गई, चक्कर आ गया उसको, पूरा बेहोश हो गई, उसको लग रहा था मर गई। तो मेरी जेठानी देख, मैं शांति रहो पहले था करो। फिर यहाँ पर सिस्टर एक थी, बोली कि सिस्टर देखो ना, बोली शांति रहो, तुम प्रार्थना सुनो। प्रार्थना सुनते मेरा ध्यान तो उसी पर था, मैं ताक रही थी उसको, ताक रही थी। तो कुछ देर बाद जब प्रार्थना खत्म हुआ, वो अपने से उठ के बैठ गई। तो मैं जेठानी को बोली कि देखो वो सही हो गई। तो जेठानी बोली ठीक है। मेरी जेठानी बराबर तब आने लगी, आते आते उसको मार्च महीने से अब मेरी बच्ची अच्छी हो गई है, प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छी हो गई है। वो जो बीमार थे उनकी भी बीमारी निकल गई, मेरी जेठान का भी दवा चल रहा था, हर हफ्ते में 3,000 का दवा इनको आता था। बहन जी आपकी बेटी को इतनी सारी परेशानी थी कि वो स्कूल जाती थी तभी भी वो बेहोश होकर के गिर जाती थी। हाँ बेहोश होकर गिर जाती थी, उधर से टीचर फ़ोन कर रही थी तो मैं कंपनी में थी तो वो रिक्शे पकड़ के आती थी, उसको लेके जाती थी। तो वो टीचर बोली कि ऐसा है कि इसको घर पर बैठाओ, घर पर पढ़ाओ, इधर मत भेजो। मैं बोली कैसे, इसका 10 का पेपर निकलेगा। तो बोली कि लेके जाओ, अब ऊपर वाले के सहारे है। ऐसा उसको कितने कितने दिन में चक्कर आता था? चक्कर तो 2-3 दिन में गिर जाती थी, ऊपर सतानी हरकत भी आता था ना। तो दरवाज़ा दो दैया मेरा दरवाज़ा भी टूटा, खिड़की भी उखाड़ के इसको निकाली, इतना सर पटकती थी, बोलती इसको लेके जाऊंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको लेके जाऊंगी। बहुत पैसा लगाई इसको। बाकी इधर आई तो मेरा बच्चा सही हो गया, मार्च से एकदम सही है। मार्च 2024 इसी साल से उसको चक्कर नहीं आई और ऐसी परेशानी नहीं हुई? नहीं, मेरा बच्चा एकदम सही है, अब पास भी हो गई। 10वीं पास हो गई? पास भी हो गई, प्रभु की दया से तुम 10वीं अच्छे से पास हो गई। हाँ पास हो गई। और अभी तुम्हें पहले जैसे चक्कर वगैरह जो आता था वो अभी नहीं आता है? नहीं अब नहीं आता। खाना वगैरह अच्छे से खाती हो? हाँ। प्रभु ने इस बेटी के ऊपर महान दया की है, इसे बचाया है। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन आपका नाम बताओ। मेरा नाम शांता है। और आपके पेट में क्या हुआ था? मेरे पेट में इस तरफ दर्द हो रहा था, दाहिने साइड। कब से हो रहा था आपको दर्द? 6 महीने से हो रहा था। मैं काम करता तो झुक के मेरे को सीधा खड़ी होने के लिए तकलीफ होता था। तभी मैंने और मध्यम इस्तेमाल किया तो मेरे को 3 हफ्ता हो गया और आराम हो गया। एक इधर मैं बैठी थी, एक सिस्टर ने पवित्र आत्मा से मेरे ऊपर गिर गई। मैं बोली प्रभु जैसा सिस्टर गिर गई वैसा मेरा पेट का दर्द ख़त्म होने दे, मैं गवाही देती हूँ बोल के। उस दिन से वापस मेरे को पेट में दर्द नहीं आया है। मतलब 3 हफ्ता पहले एक बहन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपके ऊपर गिर गई और तभी से आपके पेट का दर्द निकल गया? निकल गया, आया ने वापस। मैं बोली प्रभु को गवाही देंगे बोल के। अभी आप झुककर काम करते हो, सब कुछ कर पाते हो? सब कुछ कर पाती हूँ, क्यों तकलीफ नहीं होता है, अभी दर्द नहीं होता है? होता है। और इसके अलावा क्या हुआ था? इसके अलावा मेरा पैर में 25 दिन से इतना दर्द हो रहा था कि बहुत दर्द हो रहा था। रात में एक नींद करेगा तो बस 3, 2, 1, 2.5 बजेगा तो उठ जाती थी और सोती थी नहीं। मेरे को बहुत तक रोने के लिए होता था। फिर मैंने और इधर का तेल और इस्तेमाल किया और इतना अच्छा आराम पड़ा कि 3-4 दिन हो गए इतना पैर मेरा दर्द नहीं हो रहा है। उसके लिए भगवान को धन्यवाद।
ये भाई की गवाही है। बता देखिए, गए रविवार को सुबह अचानक इनके दांत से खून आ गया और खून आते आते मांस में निकलना शुरू हो गया। इससे पहले भी कई साल पहले इनको ये समस्या होती थी तो इनको दवाई खानी पड़ती थी तो ये ठीक होता था, लेकिन इस बार जब इनको हुआ तो ये प्रार्थना सभा में आए, प्रभु से रो रो कर प्रार्थना किए और पूरे दिन भर इन्होंने प्रार्थना सभा में मन लगा कर भाग लिया और शाम होते होते इनके दांत का खून आना और मांस निकालना बंद हो गया है। उस वक्त से लेकर अब तक एक हफ्ता हो गया है, ये बिल्कुल भी ठीक ठाक है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजा कर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई अपनी गवाही बताइए। मेरी गवाही ये है कि मैं सुपारा फाटा में काम करता था और जहाँ पे रहता था पहले मैं कम से कम दो दो ढाई ढाई घंटा मेरे को साइकिल चलाना पड़ता था और इसकी वजह से जो है मैं ठीक से घर पे जाने के बाद मैं थक जाता था। 11 घंटा काम करता था और घर पे जाने के बाद मेरी ना प्रार्थना करने का मन होता था ना खाना खाने को बनाने को मन होता था। इसे बहुत तकलीफ था जो है। तो ऐसे में मैं एक दिन रास्ते से आ रहा था, एक भाई मिले जो है इस केंद्र में सेवा करते हैं, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया कि आप इधर ही ले लो रूम। तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु से प्रार्थना किया और प्रार्थना विनती भी लिख कर और प्रार्थना व्हाट्सअप पर मैंने प्रार्थना भेजा कि मेरे लिए प्रार्थना की जाए कि जो है मेरे को इधर ही नज़दीक में रूम मिल जाए। तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुना और जहाँ मैं काम करता हूँ उधर ही आसपास में ही मेरा रूम प्रभु ने दे दिया। अभी अच्छे से मैं आता जाता हूँ और प्रार्थना भी होता है, अच्छे से बनाता खाता हूँ, कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगली गवाही बताइए। अगली गवाही ये है मेरी कि मेरे गाँव में दो खेती है खुद की, तो पानी की समस्या थी, मेरे घर पर वैसा कोई चलाने वाला नहीं है और बड़ा दिक्कत होती है। तो मेरी भाभी ने बताया कि पानी ना होने की वजह से जो है खेती सूख रही है। तो मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु हमारे भी यूपी में बारिश होना चाहिए। तो प्रभु ने प्रार्थना सुना, अभी बहुत बारिश हुआ है सुना हूँ, इधर भी और उधर भी। यानी कि जो पानी की समस्या थी निकल गई, पानी की जरूरत पूरा हो गई, फसल अब अच्छी हो गई है। एकदम अच्छी हो गई, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग जोर से तालियाँ बजा कर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। एक हफ्ते से इनके पेट में और गले में दर्द होता था। इन्होंने निवासी शिविर में भाग लिया, शिविर में प्रभु की दया उन पर हो गई और पेट दर्द और गले का दर्द निकल गया है। इसके अलावा उनकी इस बेटी को 6 महीने से कुछ भी खाने पर उल्टियां होती थी, उसको बहुत कमज़ोरी आई थी। 1 महीना पहले निवासी शिविर में इन्होंने विश्वास से भाग लिया, प्रभु की दया हो गई और अभी 1 महीना हो गया है, कुछ भी खाने पर उल्टियां नहीं होती, कमज़ोरी निकल गई है। इसलिए आप तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। 6 महीनापासून काही खाल्ल्यावर उल्टी व्हायची, 6 महिन्यापासून मला उल्टी व्हायची आणि खूप अशक्तपणा आला होता। बना यायचं शिबिरमध्ये आले तेव्हा बरं वाटलं। माझ्या शिबिरामध्ये प्रभूची दया झाली आणि आता 1 महिना झाला उलटी होत नाही। आता तू खाते व्यवस्थित जेवते? हो। आणि अशक्तपणा पण निघून गेला? हो। तुम्ही सर्वांनी टाळ्या वाजवून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या। भाई आपका नाम बताइए। चंदन वाली। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही यही है सर कि 3 दिन पहले बारिश हो रहा था, रात को बारिश आया और मेरी दुकान में पानी बहुत सारा भर गया सर। तो मैंने सोचा कि मेरे दुकान का सब सामान ख़राब हो जाएगा। हम लोग प्रे करना चालू कर दिए, फिर भी पानी नहीं आया। हम लोग तुरंत चर्च में फ़ोन किए, प्रार्थना कराया, तुरंत पानी निकलना चालू हो गया। यानी कि जो 3 दिन पहले मूसलाधार बारिश हो रही थी रात के समय, रात को समय दुकान में पानी भरने लगा? बहुत पानी भर गया था हमारे दुकान में, ऐसा लगा कि राशन सब खराब हो जाएगा। और प्रे करने लगे हम लोग तो प्रे से पानी कम नहीं हो रहा था। चर्च में फ़ोन किया, तुरंत प्रार्थना किया ना, तो पानी फटाफट निकलना चालू हो गया। यानी कि यहाँ पर जो केंद्र में फोन लगाए कि पानी रुकना चाहिए, यहाँ पर जब प्रार्थना हुआ तो प्रभु की दया हुई, पानी उस बारिश रुक गया। हाँ, पानी निकलने लगा, दुकान से बाहर निकलने लगा। यानी कि नुकसान होने से बच गया? कुछ भी नुकसान नहीं हुआ मेरा। उसका जरा फोटो या वीडियो कुछ है जरा दिखाइए, जरा सामने कैमरे में दिखाइए। यानी ये पानी, ये राशन की दुकान पूरा पानी भर रहा है यहाँ पर? हाँ, पाना पूरा पानी भर रहा है, ये देख सकते हैं नीचे आप, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। लेकिन जब यहाँ पर ये भाई ने प्रार्थना करने के लिए जब फ़ोन किया, यहाँ पर प्रार्थना शुरू हो गया, प्रभु यीशु की महान दया हुई, पानी रुक गया, इनका नुकसान होने से बड़े पैमाने में प्रभु ने बचाया। इसलिए अब जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपकी क्या गवाही है? हाँ, मेरी गवाही ये है, मेरी बैक साइड में फोड़ी आई थी और लचक भरी थी, तो मेरे को उठने बैठने में बहुत तकलीफ़ हो रहा था और बैक साइड के फोड़ी में से एक खून आ रहा था, तो टिक ही नहीं हो रहा था।
तो मैंने घर का मलम पड़ा था वो लगाया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। मैंने ऑयल लगाया तो दो दिन में ठीक हो गया, कमर का लचक और फोड़ी भी। और दूसरी गवाही ये है, मैं रास्ता क्रॉस कर रहा था तो रिक्शा वाले ने मेरे को ज़ोर से उड़ाया और मैं पूरा शरीर से पूरा हिल गया, पूरा मुझे लगा कुछ अभी हो गया। तो मेरे मुँह से यीशु नाम आ गया और मैं सीधा चलने लगा और भागने लगा, कुछ भी नहीं हुआ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु को। भाई आपका नाम बताइए। रमेश। आपकी क्या गवाही है? मेरे सीने में बहुत दिन से दर्द हो रहा था। कितने साल से? लगभग 10 साल से। तो कभी 10 दिन पे 15 दिन पे एक बार आता था ऐसा, तो मैं इसको लेकर के बहुत परेशान रहता था। तो डॉक्टर से इसका इको और SOG करवाते हैं ना, हार्ट का चेकअप, वो सब करवाया तो कुछ उसमें निकला नहीं। फिर मैं बोला कि ये पता नहीं क्यों आ रहा है, तो फिर ऐसा प्रार्थना घर में आया, प्रार्थना किया और तब से दर्द नहीं हो रहा। तब से दर्द नहीं है? नहीं। 10 साल से आपके हर 10 दिन में 15 दिन में सीने में दर्द होता था, और आप बता दें कि ये दर्द एक एक घंटा आधा आधा घंटा तक रहता था। हाँ, वो दर्द एक एक घंटा आधा आधा घंटा, मैं बहुत परेशान हो जाता था। तो फिर यहाँ आप प्रार्थना सभा में कितना महीना हो गया है? अरे हो गया मुझे 5-6 महीना से आ रहा हूँ। 5-6 महीने से आ रहे? तब से 5-6 महीने से तब तक एक बार भी आपको सीने में वैसा दर्द हुआ नहीं? नहीं 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 हुआ। 10 साल के दर्द से प्रभु यीशु ने निकाल दिया। हाँ, आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को,
जोर जोर से तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का स्वागत करो। धन्यवाद 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 प्रभु तुझे धन्यवाद। देखो अपने प्यारे प्रभु की ओर, वह आत्मा के रूप में यहाँ पर मौजूद है। अपनी आंखें बंद रखो और आत्मा से प्रभु को देखो, वो कितना प्रेम से भरा है, दया और करुणा से भरा है। आपके जीवन में बड़ा दुख, बीमारी या संकट होगा तो भी डरना नहीं, आप मनुष्य के पास नहीं जीवित परमेश्वर के पास आए हैं, और वो आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। उस पर पूरा विश्वास करो और अपना सारा बोझ प्रभु यीशु के हाथ में दे दो। आपकी बीमारियां, आपका संकट, आपकी हर एक समस्या प्रभु यीशु के हाथ में दे दो। वो हमारी परवाह करता है, वो हमसे प्रेम करता है। उसने हम पर इतना प्रेम किया है कि हमारे खातिर वो स्वर्ग से धरती पर आया। परमेश्वर का पुत्र होकर भी वो हमारे लिए मनुष्य का पुत्र बन गया। हमारे पापों का सारा बोझ उसने उठाया, उसने हमारी बीमारियों को लिया, सारे श्रापों को लिया और हमारे लिए क्रूस पर जान दिए। यीशु ने अपना शरीर और लहू देकर हमें खरीद लिया, दुष्ट शैतान के हाथ से हमें छुड़ा लिया। उसी के मार खाने से हम चंगे हो जाते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमारे सारे पाप मिट जाते हैं और हमारे लिए अनंत जीवन का दरवाजा खुल जाता है। प्रभु का धन्यवाद करो उसके असीमित प्रेम के लिए, अनंत अनंत दया और करुणा के लिए उसका धन्यवाद करो। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ, दिल की गहराई से कहो, प्रभु तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। तेरा प्रेम महान है, तेरी दया महान है, तेरी करुणा महान है। तूने मुझे बचाया, मुझे नया जीवन दिया, मुझे चंगा किया, मुझे क्षमा किया। तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए। तालियां बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 प्रभु तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। और अभी प्रभु के सामने शांत होकर अपना हृदय खोलो, याद करो आपके मन में किन के लिए गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है। आज उन सब लोगों को क्षमा करो, ये प्रभु की आज्ञा है। हमें किसी के लिए अपने दिल में गुस्सा, नफरत या कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। जैसा प्रभु हमें क्षमा करता है वैसे हमें भी दूसरों को क्षमा करनी चाहिए। याद करो उन लोगों की जिन्होंने आपको सताया, फंसाया, धोखा दिया, अपमान किया, नुकसान किया, बड़ा दुख दिया। उनके चेहरे आँखों के सामने लाओ, कोई बड़ा दुश्मन है उसी की भी याद करो। उनके चेहरे आँखों के सामने लाओ और सच्चे हृदय से कहो, प्रभु यीशु के नाम से आज मैं तुझे क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। क्षमा करो, सारा गुस्सा, सारी नफरत अपने अंदर से निकाल डालो, सबको क्षमा करो, क्षमा करो। टच टच टच। और अभी अपने खुद के पाप प्रभु यीशु के सामने कबूल करो।
हमारे बताने से पहले ही वो महान और जीवित परमेश्वर सब जानता है, और इसलिए कुछ छिपाने की कोशिश ना करो। कबूल करो अपने पापों को, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, परमेश्वर को दोष लगाना, स्वार्थ, अहंकार, दूसरों को फंसाना, लूटना, अन्याय करना, मन के बुरे विचार, आँखों से जो गलत देखा, जबान से जो गलत बोला, गालियाँ देना, निंदा करना, मजाक उड़ाना, व्यर्थ बातें बोलना, अपना हर एक पाप कबूल करो। आपके जीवन के गुप्त पाप भी कबूल करो, क्योंकि वो महान परमेश्वर सब जानता है। वो आपके चेहरे को नहीं, दिल को देख रहा है। नम्रता से कहो, हाँ प्रभु, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच टच टच, और अभी पश्चाताप करो, मन फिराओ, अपने पापों के लिए आंसू बहाओ। हमने अपने जीवनदाता, सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता परमेश्वर के खिलाफ पाप किए हैं। अपनी जिंदगी जीवनदाता के खिलाफ बिताई है, इसलिए आंसू बहाओ। हमें दुख होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। सच्चा हृदय से पश्चाताप करो। प्रभु दिल का परिवर्तन देखना चाहता है, दिल का परिवर्तन, दिल का परिवर्तन। आपको सारे पापों के लिए दुख होना चाहिए। प्रभु से कहो, हे प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैंने बहुत पाप किए हैं, तुम्हारे सामने खड़े होने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, क्योंकि तू पवित्र है, मैं पापी हूँ। हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझे दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं। रोकर पश्चाताप करो, प्रभु आपके दिल की ओर देख रहा है। टच टच टच, और अभी क्षमा मांगो प्रभु के पास। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है, हमारी मुक्ति के लिए उसने लहू बहाया है। अपनी आत्मा से प्रभु यीशु के क्रूस को देखो, अपने हाथों को उठाओ और दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो डाल, तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, मेरी आत्मा को शुद्ध कर, प्रभु दया कर, दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु यीशु आपको स्पर्श करके चंगा करेगा। जहाँ बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है।
आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए, शरीर की गाठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जोड़ जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्टात्माएं है उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इस क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका धंधा है उनके धंधे पर प्रभु की आशीष आए, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्ज ज्यादा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके घर में झगड़े होते हैं उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और परिवार में से हर बीमारी परेशानी संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आखिरी आशीष के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा, शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा, आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो यीशु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ चाहते हैं आप विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, यदि आज यीशु को ग्रहण करके आप अपनी आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे प्रार्थना बोलो। जिनकी आत्मा की मुक्ति यानी उद्धार हुआ है आपको ये प्रार्थना बोलने की जरूरत नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं।